तो देखते हैं सेट थियरी। सेट थियरी में आपको थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। सेट थियरी जॉर्ज कैंटर एक मैथमेटिशियन थे जिनको फादर ऑफ सेट थियरी कहा जाता है। तो जॉर्ज कैंटर ही इज कंसिडर्ड एज फादर ऑफ सेट थियरी। तो इनके बारे में आपने पहले कभी सुना होगा, शायद पहले कभी सुना होगा, बहुत सारे लोगों ने नहीं सुना होगा, लेकिन कुछ लोगों ने ज़रूर सुना होगा जॉर्ज कैंटर के बारे में। और उसके नीचे भी एक और नाम लिखा हुआ है, जॉर्ज कैंटर के जस्ट नीचे लिखा हुआ है रिचर्ड डेडकिंड। इनका नाम है रिचर्ड डेडकिंड, जॉर्ज कैंटर एंड रिचर्ड डेडकिंड। रिचर्ड डेडकिंड कौन थे? तो ये भी एक मैथमेटिशियन थे जो कि बेस्ट फ्रेंड थे जॉर्ज कैंटर के। ओके, अब इन दोनों का नाम, ये क्लास एलेवेंथ में आने के बाद से आपको, सॉरी, क्लास एलेवेंथ में आने के बाद से आपको लगता होगा कि रिचर्ड डेडकिंड और जॉर्ज कैंटर हमें पहली बार मिल रहा है। बिल्कुल नहीं है ऐसा। क्लास नाइन्थ में अगर आपने पढ़ा होगा अच्छे से, वैसे मुझे लग रहा है कि 99% स्टूडेंट्स को नहीं पता होता है ये सब चीज़ें, और 1% जो होते हैं वो काफ़ी स्पेशल स्टूडेंट्स होते हैं जिनको पता होता है। तो जॉर्ज कैंटर और रिचर्ड डेडकिंड के बारे में आप एक्चुअली क्लास 9th में ही एनसीईआरटी में हमें पढ़ाया जा चुका है। क्लास 9th में ही इन दोनों के बारे में हमने थोड़ी सी स्टडी की थी क्लास 9th में। तो थोड़ा सा मैं रिकॉल कराना चाहता हूँ आपको ताकि आप इन दोनों के बारे में जान जाएँ। और मेरा मोटिव, मैंने शुरुआत में बोला कि मेरा मोटिव यही रहेगा कि हम लोग क्या करें कि आपको अपने प्रीवियस नॉलेज और अभी फिलहाल जो आपका टॉपिक चलने वाला है इनके बीच एक अच्छा सा लिंक बनाएं, ताकि आपको ये बिल्कुल अजीब ना लगे, बिल्कुल नया ना लगे। आपको लगे कि हाँ भाई, जो चीज़ें पहले पढ़ी थी हमने, अब इसी का ये एडवांस्ड वर्जन है। तो इसीलिए मुझे ये सब चीज़ें बतानी पड़ रही हैं और आपको जानना भी चाहिए ये सब चीज़ें। तो जॉर्ज कैंटर और रिचर्ड डेडकिंड के बारे में क्लास 9th वाले पढ़ा होगा। क्लास 9th में आपने एक, क्लास 9 के फर्स्ट चैप्टर में आपने एक प्रॉपर्टी पढ़ी होगी। आपने पढ़ा होगा कि नंबर लाइन है और नंबर लाइन के ऊपर हम हर एक रेशनल नंबर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं और हर एक इरेशनल नंबर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये जो हमने क्लास 9th में जो पढ़ा था कि हर रियल नंबर को नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एक्चुअली इस प्रॉपर्टी को, इस नंबर नंबर्स के इस प्रॉपर्टी को कंप्लीटनेस प्रॉपर्टी बोलते हैं। और कंप्लीटनेस प्रॉपर्टी को देने वाले कौन थे? तो रिचर्ड डेडकिंड और जॉर्ज कैंटर, इन दोनों लोगों ने मिल करके इस चीज़ को प्रूव किया था कि हाँ भाई, एक नंबर लाइन पे के हर एक पॉइंट पर कोई ना कोई रेशनल नंबर या फिर कोई ना कोई इरेशनल नंबर एग्जिस्ट करता है। इस प्रॉपर्टी को कहा गया था कंप्लीटनेस प्रॉपर्टी, और इसका स्टेटमेंट था कि करेस्पॉन्डिंग टू एवरी रियल नंबर, करेस्पॉन्डिंग टू एवरी रियल नंबर देयर एग्जिस्ट अ यूनिक पॉइंट ऑन नंबर लाइन, एंड करेस्पॉन्डिंग टू एवरी पॉइंट ऑन नंबर लाइन देयर एग्जिस्ट अ यूनिक रियल नंबर। इसी प्रॉपर्टी को कंप्लीटनेस प्रॉपर्टी बोलते हैं, और इसको देने वाले कौन थे? तो इसको देने वाले थे जॉर्ज कैंटर और रिचर्ड एडकिंग। दोनों लोगों ने इस थियरम को प्रूव किया था, और क्लास 9th में हम इसी प्रॉपर्टी का यूज करते हैं और अलग अलग नंबर्स को हम लोग नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, तो ये रिचर्ड एडकिंड और आपके जॉर्ज कैंटर कोई नए नहीं हैं, बल्कि क्लास 9th में आप लोग पढ़ चुके हैं आप लोग। तो इसी तरह के कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हम लोग जानेंगे अपने क्लास 11th के सिलेबस में भी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो आप लोगों को फील होगा कि बिल्कुल आपका क्लास 11th का सिलेबस बिल्कुल डिफरेंट नहीं है, कुछ तो सिमिलरिटीज़ हैं उसमें जो कि हमें खोजनी है, और मैं आपको बताऊंगा कि वो सिमिलरिटीज़ क्या क्या हैं। तो ये था आपका क्लास 9th का कंप्लीटनेस प्रॉपर्टी रिचर्ड एडकिंड और जॉर्ज कैंटर के बारे में। थोड़ा सा इनकी हिस्ट्री हिस्ट्री जान लेनी चाहिए। इन लोगों ने बहुत सारे एफर्ट किए होते हैं तब जा करके हमारे इतने मॉडर्न ऑनलाइन क्लासेस आप लोग वो कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, हम लोग पढ़ा रहे हैं, अपने लाइफ में इतने मज़े कर रहे हैं हम लोग, हमारी लाइफ इतनी आसान हो गई, वो सब इनके एफर्ट्स होते हैं। तो कम से कम इसका ट्रिब्यूट इनको मिलना चाहिए, इनको इतनी इज्जत तो मिलनी चाहिए ताकि लोग इनको भूल ना जाएं। तो ये इनकी हिस्ट्री थी। अब हम लोग अपने टॉपिक को स्टार्ट करेंगे, चैप्टर का जो हमारे एनसीईआरटी का जो फर्स्ट चैप्टर है सेट थियरी, उसके सेट थियरी को डिफिनेशन से लेकर के जो भी आपके बुक में चीज़ें होंगी, एक्सरसाइज में होंगी, सब चीज़ों को हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे।